विकासखंड अधिकारी पलना के खिलाफ प्रधान संघ का धरना जारी, हटाने को लेकर उठी मांग। पलना विकासखंड अधिकारी के खिलाफ प्रधान संघ ने मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ आज ब्लॉक परिसर में जमकर नारेबाजी किया गया और उन्हें हटाने को लेकर मांग भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गणेश गुप्ता। ब्लॉक प्रांगण में कर रहे हैं, उसमें हमको कोई संज्ञान में इनके द्वारा नहीं मिला है कि किस कारण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मुझे मीडिया द्वारा पता चला है कि इनको दो काम का हमको बताया गया कि काम नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ, जबकि काम चल रहा था, भुगतान हुआ, काम चल रहा था, मटेरियल का भुगतान हुआ था, उस पर काम चल रहा। अब इसके बाद से हमें नहीं पता चला कि ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या चल रहा है। आपके ऊपर इन लोगों ने यह भी आरोप लगा रहे हैं मैडम कि दुर्व्यवहार कम लगा रहे हैं कि आप जैसे आते हैं तो इनको कुर्सी नहीं मिलती है या बंद रहता ताला, ऐसा क्या मामला है? इस प्रकार का कोई प्रकरण है क्या? नहीं, इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। हमारे यहाँ शाम को 6 बजे के बाद ताला बंद किया जाता है, सूचना हाल जैसे बैठक जो हम लोग करते हैं वो बंद करते हैं 6 बजे के बाद, और ऑफिस भी 6 बजे के बाद ही बंद होती है। कुर्सी में सब उसी में रहता है। अब सुबह 10 बजे मेरा कार्यालय खुलता है, 9:30 बजे सफाई कर्मचारी आते हैं, साफ सफाई करने के बाद करता है, कोई इसी करता नहीं। तो जो आपके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये झूठा, ये सत्य नहीं है। प्रधान संघ लोग यहाँ पे ब्लॉक परिसर में धरने पे विगत कई दिनों से बैठे हैं, क्या है पूरा प्रकरण इन लोगों के धरने पे बैठने का? यहाँ पे प्रकरण कुछ तथ्यात्मक तरीके से अगर जाएं तो वीडियो महोदय के व्यवहार से रुष्ट होके, और कुछ प्रकरण आपत्तिजनक ये थे कि मटेरियल बाद में गिरना या पहले गिरना, पेमेंट हो जाना, इसको लेके प्रधान संघ के सारे लोग बैठे थे धरने पे। 2-4 दिन बाद उसकी जांच के आदेश हुए, जांच हो रही है, प्रक्रिया जिले लेवल पे हो रही है। यहाँ विषय ये चल रहा है कि एक परिवार का एक माहौल होके मैं भी आ जाया जब खाली हुआ विभिन्न कार्यक्रमों से, और चूंकि मैं ब्लॉक का मुखिया पद पे अगर हूँ तो मुझे भी अपने प्रतिनिधि साथियों से मिल के ये जानने की उत्सुकता हुई। टेलीफोन का ज़माना है तो पता तो सारी चीज़ें चल रही थी, बात हो रही थी बहुत से प्रधानों से, और इसमें इनकी डिमांड ये थी कि नहीं ब्लॉक पे से हमारी वीडियो महोदय ने गलत किया है तो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होके वो हटें, और ये इसी को लेके ये लोग निरंतर इस पर बैठे हुए। और बताएं तो भी क्या लग रहा है, जैसे अभी कई दिनों से लोग कर रहे हैं, एक भोजपुर वाला मामला तो करीब करीब वहाँ पे काम हो गया है, लेकिन अभी लोग का मांग है वीडियो महोदय को लेकर। काम हो जाना नहीं होना ये एक अलग विषय हो गया, इस पर कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि अधिकारीगण उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि न्याय संगत कार्रवाई और तरीके से कार्रवाई होगी जो विधि अनुसार, वो हम या आप कोई नहीं कर सकता, जो सिंसाइनिंग अथॉरिटी हो ऐसे करेगी, जांच बनेगी, आख्या बनेगी, उसकी विभिन्न प्रक्रियाएं। हम लोग और ये लोग उस विषय में नहीं गए। अभी फिर से आपने जब बात की प्रधान संघ में सीनियर हमारे चाचा लगे हुए रामानंद जी, उनसे आपने बात की तो उन्होंने बताया कि वीडियो के संग क्या क्या हमारे मतभेद कब कब कैसे कैसे बैठने को नहीं सुनने को नहीं दिया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांति से किसी को भी धरना देने का और अपनी बात रखने का ही सबसे उपयुक्त तरीका होता है। इस बात के लिए मैं इनकी प्रशंसा करूंगा, कहीं से कोई मतभेद ऐसा या कोई बातें ऐसी नहीं कही गई है जिससे कि किसी की गरिमा गिरे या कुछ हो। भाई अपना हक लोकतंत्र में भारतवर्ष में मांगने का हर आदमी को, पक्ष विपक्ष हो, यहाँ तो एक ब्लॉक परिषद है उसमें पूरा परिवार सारे प्रधानों से मेरी भी आप देख रहे हैं बैठ के बात हो रही है, इस चीज़ को ये लोग डिमांड कर रहे हैं, यही चल रहा है। इसके बाद आप आ गए हैं, हम लोग से अभी चर्चाएं आती हैं, कर लिया जाए तो मैं आपको सार्थक उत्तर दे पाऊंगा कि क्या चल रहा है।